कुछ चल के आ रहे हैं, आप ऑफर दे रहे हैं टैटू के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या लग रहा है टैटू करा रहे हैं? सारी शॉप्स खाने की है, फूड भी है, तो आप आराम से लेके आ चुके हैं। ये है चीजी फ्राइज और ये फ्रेश लाइम सोडा, इतना टेस्टी है मैं आपको क्या बताऊं। 30 साल हो गए। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? टैटू टैटू ना कर, टैटू ना। 3, 2, 1 एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। गाइज आज जो है कुछ नया होने वाला है। अभी जो है टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और अभी मैं और भाई जा रहे हैं एक मार्केट। उस मार्केट का नाम है पालिका बाजार। ये मैंने कभी भी नहीं देखी, मतलब मम्मी बता रही थी कि जाओ इस मार्केट में होकर आओ, बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। सिर्फ सीपी हम लोग जाते रहते, बहुत सीपी गए और मैंने पढ़ा भी कि पालिका बाजार है कोई, मगर मुझे ये नहीं पता कि अंदर क्या चीज है, क्या मिलता है, क्या रेंज है, क्या वैरायटी, कुछ भी नहीं पता ना। कभी मैंने यूट्यूब पे देखा कि पालिका बाजार क्या चीज है। मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगी, फर्स्ट टाइम ही देखूंगी। तो मैं और भाई वहां जा रहे हैं। मम्मी ने कहा जाओ सब्सक्राइबर्स को भी दिखाओ अपने वो वाली मार्केट जो है, पूरी पालिका बाजार उसका नाम है। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाकर जरूर जरूर देखिएगा। पहले मैं देख के आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाँ वो जगह जाने वाली है या नहीं है, वैरायटी अच्छी मिलती है वहां पर, रेंज क्या है उसकी, ये सब चीजें चेक करेंगे क्या क्या चीजें हैं वहां पर। मेरा खुद फर्स्ट टाइम है, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इसको। तो अभी चलते हैं जल्दी से, इसका भी जुगाड़ निकल आया है। चलो चल दिए पालिका बाजार। देखे हेलमेट लगा रखा है मैंने भी, भाई ने भी, रूल्स फॉलो करिए, स्कूटी पे जा रहा था, हेलमेट जरूर जरूर लगाए, तो सेफ्टी भी हो गई हमारी। अब चलते हैं जल्दी से। गाइज इस वाली मार्केट के बहुत सारे गेट हैं, 7 गेट तो हम देख चुके हैं, हमें गेट नंबर 1 से जाना है अंदर। 7 गेट है पूरे, मिल गया 1 नंबर। गाइज मेन एंट्री जो है वो गेट नंबर 1 से होगी। थोड़ा स्कूटी लगाते हैं फिर करते हैं आपसे थोड़ी बात। तो गाइज पालिका बाजार के बिल्कुल सामने ही पार्किंग है, यहाँ पर आप अपनी कोई भी जिस भी गाड़ी से आ रहे हैं यहाँ सेफ्टी से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। देखो पूरा शोरूम बनी हुई है, पार्किंग जगह ही नहीं मिल रही है, इतनी ज्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। देखो कितनी स्कूटी बाइक्स हैं और भाई तो शोरूम है पूरा। उठा के वहाँ रख नहीं, कह रहा उठा के वहाँ रख देते हैं। अरे जगह ढूंढो यार। और हम एंट्री से आ रहे हैं, काफी अंदर आ चुके हैं, मैं तब का दिखा रही हूँ, वहीं से पूरा लगा हुआ है। काफी ज्यादा हो रही है भीड़। ओह फाइनली वी गॉट इट। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं और इतनी सारी भीड़ लगी है। से बाहर निकल गए। कौन सा गेट आएगा यहाँ से निकलेंगे तो? एक नंबर आएगा। चलो आ जाओ। चलिए चलते जल्दी से। और बताया गया है हमें खो गई तो 50 रुपए लेंगे पार्किंग, मतलब अगर टिकट खो गई तो 50 रुपए पेनल्टी। सो गाइस यहाँ पे जो ये पार्किंग है इसकी स्कूटी की है 5 रुपए घंटा। वेरी एक्सपेंसिव 5 रुपीज पर आवर। और अगर टिकट खो जाती है तो वो आपसे 50 रुपए लेंगे। सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, आपको आना है तो यही रूल्स फॉलो करते हुए आइए। तो अभी चलते हैं, आ गए हैं। और ये देखो मेरे पीछे गेट नंबर 2 है, इसके बहुत सारे गेट है, 7 देखे ना हमने, 7 गेट तक देखे। और ये देखे सामने कुछ हो रहा है, दिखाती हूँ आप। ये देखे यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। देख क्या भाई, क्या है अंदर? गाइस पता नहीं, कुछ आई गेस मीडिया है शायद ना। पता नहीं गाइस क्या हो रहा है। क्या है? मेरे नहीं आए थे, कह रहे फाइव कहाँ है आजकल, क्यों नहीं दिखता मिस्टर यूनिको ब्लॉग्स? आखिर क्यों बंद हो गए हैं, आखिर उनके ब्लॉग्स क्यों नहीं आते हैं, दुनिया जानना चाहती है, बताइए सर, बोलिए। एंट्री ले ली हमने पालिका बाजार में, यह है गेट नंबर 1, इसी से है। गाइस ठंडक आ रही है, ठंडक, फुल एसी एयर कंडीशन मार्केट है ये। एंट्री यहाँ से, गाइस ये एंट्री ले ली अंदर चेकिंग के बाद। ये गाइस शुरू हो गई है मार्केट, अब चलते हैं।
गाइस आ गए हैं मार्केट में और एसी है, एयर कंडीशन है वेल्डन। और अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। काफी बड़ी मार्केट है गाइस, सारी चीजें हैं यार यहाँ तो। गाइस मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये तो टैटू की दुकान है क्या? वालेकुम सलाम, मैं तो लाइवा बरकात हूँ, प्लीज टैटू के लिए आना है। भाई यहाँ सब टैटू के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या लग रहा है टैटू करा रहे हैं या फिर टैटू करवा लो? किसी तरह टैटू बनवा लो यार। गाइस काफी बड़ी मार्केट है ये और एयर कंडीशन है, बहुत अच्छी बात है। ये गैजेट्स की शॉप है, लाइक कैमरा सारी चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ तो जनता बैठी है पूरी। भाई यहाँ से आना, ऐसे इधर सुन, यहाँ से जाएंगे ऐसे राउंड लगाएंगे गोल। गाइस ये गोल गोल मार्केट है, गोल गोल काफी बड़ी है। आप देखते हुए चलो कि किस किस की शॉप्स हैं, क्योंकि बहुत सारी शॉप्स हैं, मैं बताती जाऊंगी तो काफी टाइम लगेगा, मगर हर चीज अवेलेबल है यहाँ पर। गाइस यहाँ तो लोग खुद चल के आ रहे हैं, आपको ऑफर दे रहे हैं। कुछ चाहिए हो तो बताओ, पूछो, रेंज वेंज चेक करो। गाइस कैप्स की वैरायटी देखो आप यहाँ पे, ये तो वेलवेट में है ना। क्या प्राइस है इसका? क्या प्राइस है भैया इसका? 550 दोनों का, 550 ना। हाँ अच्छी लग रही है, हयात मूसा के लिए वो सही लग रही है, ग्रे वाली। उन्हें कैप पसंद आई, कैप ले लिए। रेंज यहाँ पर हाई है, मगर आप जो है वो कर सकते हैं, कम बार्गेनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम कर लेंगे। ओके गाइस यहाँ तो टैटू के पीछे पड़ रहे हैं, भाग रहे हैं हम कि टैटू ले, टैटू यहाँ पे टैटू कर दो भाई साहब, टैटू करना हराम। हाँ यहाँ टैटू लिखवा दो हमारा। गाइस अभी चढ़ रहा हूँ ऊपर। गाइस बच्चों के भी कपड़े हैं यहाँ पे, ये देखो। हयात मुसा आप आइए यहाँ से शॉपिंग करिए प्लीज। क्या अभी चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी अभी नहीं। गाइस वैरायटी यहाँ पे बहुत सारी है, टॉप्स वगैरह है, जीन्स है। भाई नहीं भाग रहा है तो टेंशन नहीं ले, बच्चों के भी कपड़े हैं यहाँ पे, सर्दियों के भी वैरायटी आ चुकी है, ये खाने की भी है यहाँ पे, सारी शॉप्स खाने की है, फूड भी है, तो आप आराम से आओ शॉपिंग करो, एक साथ खाओ पियो इंजॉय करो। गाइस मगर मैं आपको अगर देखो अपना रियल जेन्युइन रिव्यू दूँ ना, तो यहाँ पर सामान महंगा है, मगर आप बार्गेनिंग ज़रूर करना, महंगा बिल्कुल मत लेना, बार्गेनिंग ग्राहक का हक होता है, मम्मा कहती हैं। अरे देखो लेडीज़ का खूब सामान है यहाँ पर, बहुत सारा है, टॉप्स भी हैं और क्या कहते हैं घूमने फिरने के, जीन्स वगैरह सारी चीज़ है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। प्राइस क्या कहना चाहेंगे मार्केट के बारे में, आप पहली बार आए हो या पहले आ चुके हो? ये सो गाइस ये वाली शॉप है, इसकी रेंज काफी ज्यादा अच्छी है। ये वाली शेरवानी देखो आप, ये 250 की लगी हुई है यहाँ पे। ये सब ड्रेसेस जो है काफी अच्छी है, फैब्रिक भी अच्छा है इनका और शॉप भी अच्छी है अंकल की। अंकल से इंटरव्यू ले लेते छोटा सा, कब से आपकी शॉप यहाँ पर? 30 साल हो गए। अच्छा जी आपका नाम क्या है? शाम। अच्छा अंकल यही वैरायटी होती है आपके पास या चेंज होती रहती है वैरायटी? सीजन के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग, और हर वीकली नया माल आता, नया माल आता है। और ये सब आप समर का भी लगाते हो, मतलब सर्दियों का भी आती है वैरायटी? और ये कितने दिन खुलती है शॉप आपकी? सातों दिन खुलती है, कोई छुट्टी नहीं है? साल में चार छुट्टी होती है। कोई बड़े दिन की होती होगी छुट्टी? 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। वाह अंकल आप भी छुट्टी नहीं करते, जब अंकल क्या दिल लगा के काम करते हैं यहाँ पे। चलिए अंकल थैंक यू आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। गाइस अंकल की दुकान पे 30 साल हो चुके हैं। नाइस। शूज की वैरायटी भी है काफी अच्छी अच्छी यहाँ पे। भाई अभी ये वाला शूज पूछ रहे हैं, इसमें और कलर नहीं है भाई? इसका क्या प्राइस है?
आपके लिए चाहिए। छोटा भी है ये तो, अच्छा लग रहा है, छोटा भी है ये, ज़्यादा अच्छा है ये। इसका वो वाला जिसमें वो चीता प्रिंट कैसा है गाइस, कैसा लग रहा है? एक पैर डिस्को दीवार। इसको वाली स्लीपर जो आपने देखी अभी सैंडल हील की, उसका प्राइस कितना बताया? 1650 के खुद ही कहने लगा, 800 में दे। 1650 उन्होंने उसके लगाए, बट सुनने रुक तो जा, उसने लगाए गए 1600 उसके बताया हमें, मगर मैंने कहा और क्या लगेगा, तो उन्होंने उसको गिरा के कर दिए 1200, फिर और गिरा के कर दिए 1000, फिर और गिरा के कर दिए 800, और फिर जाते जाते वो 600 बोलने लगा। तो 1600 से 600 का आप डिफरेंस देखो कितना है। ये भी एक लेडीज शॉप है, मैं यहाँ पर टॉप्स वगैरह देख रही हूँ, और वैरायटी यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी है, और रेंज इनकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है इनकी। और अभी चलते हैं, बाकी थोड़ी हम लेंगे शॉर्ट टॉप टाइप में, जो वो होता है ना फोर्ड सेट टाइप, वो अच्छे लगते हैं मेरे को। तो बाकी गाइस प्राइस ठीक है, आप बार्गेनिंग करना, ज़रूर बार्गेनिंग करना। और कितने का पैक है गाइस? ये बहुत बड़ी मार्केट है, मैं जितना होगा उतना मैं ज़रूर एक्सप्लोर कराऊंगी आपको। ये इधर ज्वेलरी के, थोड़ी ज्वेलरी दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस ये ज्वेलरी की छोटी सी शॉप दिखी है मुझे, यहीं से दिखा देती हूँ आपको। ये बाकी सारी उसकी शॉप्स हैं, आ जाओ मेरी चलती चलने लगा कर, समझ गए? मैं चलूँ तुम भी चलो साथ में। देखो गाइस शॉप सारी, ये जेंट्स की शॉप, बॉयज गर्ल्स जेंट्स लेडीज सबके लिए सारी सारी चीज़ें। ये डेकोरेशन का सामान है गाइस, ये प्ले स्टेशन वगैरह रखे हुए हैं। नहीं भैया नहीं बनवाना गाइस, यहाँ पे सब टैटू के पीछे पड़ रहे हैं गाइस। एक्सीलेटर भी है यहाँ, बस टैटू बना दो, टैटू बना दो। गाइस यहाँ पे टैटू का इतना क्या ट्रेंड है मुझे समझ नहीं आ रहा, सब क्यों टैटू के पीछे पड़ रहे हैं, बस टैटू टैटू। ये गाइस देखो और एक्सेसरीज की शॉप, क्या है इसमें गोल्डन, इसके गोल्डन खा दे। हाँ ये अच्छा है, नाइस। इसमें वो वाली भी तो आती है जिसमें वो नगीने लगे हुए होते हैं, है। ये कितने की है रिंग, ये वाली रिंग? सो गाइस काफी ज्यादा यहाँ पर जो है ना जीन्स सिखा दी, जीन्स आपके लिए, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी एसी तो लगा हुआ है, बकवास नहीं कर रहे। बाकी गर्ल्स का भी यहाँ पे सामान है काफ़ी ज़्यादा, डेफिनेटली जेंट्स का भी है, और भीड़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, गर्मी भी लग रही है, चलते चलते गर्मी लगती है, बाकी है एयर कंडीशन ऐसी बात नहीं है। और सारी वैरायटी है सारी, मैं तो कह रही हूँ आप ज़रूर ज़रूर आओ, ट्राई करो एक बार तो ज़रूर आओ, यहाँ पे कुछ मिले ना मिले मगर आपको ज़रूर आओ किसी तरह हमारे पास। बस आपको यही कहते रहेंगे टैटू करा लो, टैटू करा लो। अच्छा नहीं आया तुम क्या? वाह भाई वाह, हम इसके लिए आए, मगर इसके लिए आए तुमने काम के लिए आए यहाँ पे। सो गाइस बहुत ज़्यादा जो है ना ये बड़ी मार्केट है, ठीक है। वैरायटी भी मैंने आपको बता दी, कश्मीरी वैरायटी भी है यहाँ पे, एक दो शॉप्स हैं, और बाकी शूज़ भी हैं, सब कुछ हैं, सैंडल्स हैं। और जो यहाँ पे सबसे मेन काम होता है वो होता है टैटू का, टैटू टैटू है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ टैटू है इधर। हाँ अगर आपको मेन ये काम कराना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और जो है ना हर शॉप्स के ऊपर प्राइस लिखे हुए हैं 250 या फिर क्या कहते हैं 350, तो मैं किसी से जाके पूछ नहीं रही कि कितने का है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर पैसे जो है वो लिखे हुए हैं, तो खामा खामा जाके हम क्यों पूछें कि कितने का है जब सब चीज़ों के ऊपर प्राइस लिखे हुए हैं। लेकिन ठीक है सामान आ चुका है, कोट देखें भाई जो है, इस कोट पहन के देख रहे हैं ना, ये कोट पसंद आया है, अभी सर्दी आई नहीं है मगर शाहरुख खान आ गए। जैसे कि आपको यहाँ ट्रेडिशन है टैटू का, टैटू करा लो, टैटू भाई सब, टैटू भाई सब का हुआ, भाई सब टैटू करा लो, भाई सब टैटू करा लो, मैं भी टैटू वाले ही मुझसे करा लो भाई, यहाँ तो बहुत बुरा हुआ है भाई, पकड़ लेते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है टैटू करा के जाओ, टैटू करा के बंदूक की नोक पे टैटू करवा देंगे। अलवा बस बोल दिया ना, अलवा बस, अलवा बस, टैटू मतलब टैटू
टैटू कर रहे हैं तो टैटू ना कर टैटू नहीं चलेगी टैटू कट्टे वाले सो गाइस अभी हम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे जितना हुआ मैंने आपको दिखा दिया है, वैरायटी अच्छी है ठीक है, लेकिन यहाँ ब्रांड नहीं है। कभी आप ब्रांड समझ के आओ कि यहाँ ब्रांड भी मिलता है, ब्रांड वगैरह नहीं मिलते, सारा लोकल सामान ही है यहाँ पे। हमें गेट नंबर 1 से बाहर निकलना है। हाँ यार और सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर क्या क्या मिलता है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, वहाँ जाके देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है विद प्राइस का। मैं थोड़ा भी प्राइस भी लिख दूंगी, आप जाके ले सकते हैं इजीली। तभी तो बाहर जाने का देखते हैं। और यहाँ गाइस आते हैं आपको पकड़ लेंगे, टैटू करा लो। यहाँ पर रिंग लाइट्स भी हैं, गैजेट्स भी हैं, सारे फ़ोन के जितने गैजेट्स होते हैं या जिन लोगों को रील्स बनानी है और वीडियोज़ वगैरह बनानी होती है उनके लिए भी सारी बात ले लिए हमने। गेट नंबर 1 से ही गए थे और गेट नंबर 1 से वापस आ चुके हैं। बाकी यहाँ भीड़ क्यों लग रही है पीछे मेरे, देखो पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, भीड़ लगी पड़ी है। अभी ले लिया है एग्जिट, अभी चलते हैं बाहर। और अच्छी बात यह है कि अंदर सब जगह एसी था तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना आप इजीली एसी में घूमो। मगर अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हो ना तो 1 घंटे वाली मार्केट नहीं है ये, ना 2 घंटे वाली मार्केट है। यहाँ आओ आराम से आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे इजीली, इतनी बड़ी मार्केट है ये। एग्जिट ले लिया, भीड़ देखो मेरे पीछे कितनी है। गेट नंबर 1 पे चलो गाइस, देखो सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भाई रुक जा फोटो लूँगी, बाहर आई है यहाँ पता नहीं किस चीज़ की भीड़ लगी हुई है। तू क्या, तू हाथ से ऊँचा लेके खी बना जरा, कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। Through the wastelands, through the highways, and on. वहाँ से तो हम आ गए हैं बाजार से, लेकिन एक सैड न्यूज़ है। वो सैड न्यूज़ ये है कि मेरा और फाइज का चलान हो गया। छोटा चलान, हम छोटे हैं तो हमारा छोटा चलान हुआ है। किस चीज़ का चलान हुआ है हमारा? हमारा चलान हुआ रॉन्ग साइड का। हमारा नहीं, रॉन्ग साइड का था, पर उन्होंने कहा तुम तो बच्चे हो अभी, एक काम कर दूँ हमारा नो पार्किंग का छोटा चलान कर देता हूँ, क्योंकि उसका चलान बहुत महंगा है रॉन्ग साइड का। इसने बोला है कि क्या कहता है हम स्टूडेंट हैं तो उन्होंने हमारा चलान काटा है 100 रुपये का, नो पार्किंग का काट दिया उन्होंने। मगर कोई बात नहीं, वो सपोर्टिव थे पुलिस वाले अंकल, अच्छी बात है। मगर ना गाइस यहाँ पे कनॉट प्लेस में यही कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी रॉन्ग साइड है कौन सी राइट है, बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पे। थोड़ा सा देख कर आओ, आपका भी चलान कट जाएगा वरना। तो चलान तो कट गया, खैर कोई बात नहीं। फिलहाल अभी हम लोग आए हैं बिस्ट्रो, फिर भी को भूख लग रही थी तो आ चुके हम बिस्ट्रो 57। ये आउटर सर्कल के बिल्कुल सामने, इसकी भी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिलहाल लेते हैं यहाँ से कुछ लेके आ चुके हैं। ये है चीज़ी फ्राइज और ये फ्रेश लाइम सोडा, इतना टेस्टी है मैं आपको क्या गाइस, बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत टेस्टी है फ्रेश लाइम सोडा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा टेस्ट होगा इसका, और फ्रेश तो होते ही अच्छे हैं इसके, वेरी नाइस गाइस। इसकी भी लोकेशन मैं डाल दूंगी, आप भी जरूर यहाँ पे आकर ट्राई करें, ये भी बहुत अच्छा है। इसी के साथ ही ब्लॉग को कर दूंगा यहीं पर ही खत्म। अब हम जा रहे हैं घर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। होप आपको अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।